नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं काविंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का, तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, वहीं देश भर में इस रामलीला को तारीफें मिल रही हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामलीला कमेटी की तारीफ की। पीएम मोदी ने रामलीला कमेटी को एक चिट्ठी लिखी। मोदी ने अपनी तरफ से रामलीला कमेटी को बधाई संदेश दिया है। बता दें कि इस बार बीजेपी भगवान राम के सहारे चुनावी रण को जीतने में लगी है। दरअसल जिस जगह पर रामलीला हो रही है उस जगह पर घुसते ही आपको सबसे पहले ऐसी प्रदर्शनी दिखाई देगी जिसमें भगवान राम और रामायण से जुड़ी फोटो की पेंटिंग लगी होगी। दूसरी तरफ उसी तरह की फोटो पेंटिंग सरकार की योजनाओं की भी लगी दिखाई देगी। ये पेंटिंग इशारा करती है कि यूपी विधानसभा चुनाव में राम के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सिद्धार्थनगर दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 अक्टूबर को आगमन को लेकर यहां की तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो सीएम योगी का कार्यक्रम सिद्धार्थनगर में कल होना तय है, जिसमें सीएम योगी निरीक्षण भी करेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं इटावा में दशहरा के अवसर पर किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका है। बता दें कि लखीमपुर में हुई किसानों की हत्या के विरोध में यह पुतला दहन किया गया। इस दौरान मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो इटावा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर किसान संगठनों ने सीएम और पीएम का पुतला फूंका है और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन भी किया है। वहीं आगामी 2022 में विधानसभा के चुनाव के लिए नेताओं के आने जाने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को यूपी के सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की बैठक में शिरकत की है। साथ ही कार्यक्रमों में भी वो पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि आज केंद्र के अंदर मोदी जी का और राज्य के अंदर योगी जी का नेतृत्व है, जो एक ईमानदार नेतृत्व है, और इसके चलते गुंडागर्दी का वातावरण समाप्त हुआ है और आज सिर्फ कानून का राज है। तो सहारनपुर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी का जो वातावरण पहले देखने को मिलता था, अब उस पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा चुकी है। अब भयमुक्त शासन है। अब जो प्रदेश की बात करें या केंद्र की बात करें, हर जगह पर गुंडागर्दी समाप्त हो चुकी है। राज्य और देश हर जगह भयमुक्त वातावरण देने का काम बीजेपी सरकारों ने किया है। संगठन के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी मोर्चों के द्वारा गांव में चौपाल का कार्यक्रम है, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, सामाजिक सम्मेलन भी है। केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जो रिपोर्ट कार्ड है, जो काम हम किए हैं उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को के बीच में वह बांट रहे हैं। जो भी समस्या, जो काम किए उनको बताने का काम कर रहे हैं और कोई आवश्यकता है तो हमें बताएं, बाकी समस्या का समाधान करेंगे। आज राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है, राज्य के अंदर योगी जी का नेतृत्व है, एक एक ईमानदार नेतृत्व है और गुंडागर्दी को पहली बार जो एक तरह के एक वातावरण है, गुंडागर्दी समाप्त हुआ, कानून का राज है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में राज खुशहाल की ओर आगे बढ़ रहा है। पीलीभीत में विजयदशमी पर्व के दिन के बरेली जहानाबाद तिराहे का सौंदर्यीकरण करने का आज जिलाधिकारी पुलकित खरे और सदर विधायक संजय सिंह गंगवार के साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने उद्घाटन किया है। साथ ही नवरात्र पर्व को लेकर 108 स्कूली छात्र छात्राओं का तिलक कर उनका सम्मान किया और उपहार स्वरूप एक स्कूल बैग व कॉपी भी भेंट की है।
तो पीलीभीत से तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जहानाबाद तिराहे का सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया गया है और वहां पर तमाम अधिकारी नेता मौजूद रहे। आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया गया था जिसमें डीएम और बीजेपी जिलाध्यक्ष ने ये पूरा जो कार्यक्रम था इस बीच वहां पर सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया है। तो पीलीभीत से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जहानाबाद तिराहे का सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। इस बीच डीएम भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने उद्घाटन कर वहां पर मौजूद छात्र छात्राओं को किताबें साथ ही और भी अन्य उपहार भेंट किए हैं। नवरात्र पर्व को लेकर 108 स्कूली छात्राओं का तिलक कर उनका सम्मान भी किया गया और उपहार स्वरूप जैसा कि आपको बता रहे हैं कि स्कूली बैग और कॉपी किताबें भेंट की गई हैं। दर्शकों, आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हाल ही में हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। बता दें कि आरोपी में युवक की हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया था। खबरों की माने तो युवक की प्रेमिका ने उसके युवक से प्रेम प्रसंग की जानकारी होने के बाद अपने भाई के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आगरा से तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या हुई थी जिसका आज आगरा पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है। लखनऊ एयरपोर्ट में अमेठी के लिए रवाना हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंच चुकी हैं। बता दें कि स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी आई हैं जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो वहां कई लोगों से भी मुलाकात उन्होंने की है। तो अमेठी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची, उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश की है। बागपत के बड़ू थाना क्षेत्र स्थित एक दुकान में दुकानदार का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि गृह क्लेश के कारण दुकानदार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। बागपत का यह पूरा मामला है जहां पर दुकान के अंदर दुकानदार का शव मिला है जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने बताया है कि आशंका जताई जा रही है कि गृह क्लेश के कारण दुकानदार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। भैया एक दुकानदार है संदीप नाम का, उसने स्वयं गोली मारकर हत्या करी अपनी। कुछ गोदरेज संदीप प्रेशर से बस ये पता लगा लो उसे। क्या काम कर रहा है? इसकी दुकान थी परचून की, किराना स्टोर। किस समय घटना है? क्या स्थिति है? ये लगभग सुबह घटना बताया, लगभग 6 बजे के आसपास की। बस ये पता लगा जी, अभी यहाँ जैसे पता लगा जैसे हम भी आए, क्या मौके पुलिस आई और वह डेड बॉडी मिली गई। मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। वहीं गनीमत रही कि इस गोलीबारी में किसी को भी गोली नहीं लगी। साथ ही फायरिंग करने वाले युवक फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो मेरठ में फायरिंग कर मौके से आरोपी फरार हुए हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई है जिसको अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने अब छानबीन शुरू कर दी है। भैया ये शादाब जो था ये अपने दोस्त के साथ में गुलमर्ग पे खाना वाना खा रहा था और उसके बाद में ये 4-5 लड़के आए जिनके जो है शाबाज बदर है और एक हाजी असद है और क्या नाम है मारूफ और भोला है। ये इससे जो है हाजी असद जो है इससे बोलने लगा कि इन्होंने मुझे खाना वाना खिलवा दे और तू जो है आजकल है अलग अलग घूम रहा है। और ये इन्होंने एक जनप्रयास का मोर्चा वोर्चा भी बना रखा है। शाबाज बदर जो है उससे पार्टी के फंड वंड के लिए भी पैसे वैसे मांगता रहता, 55,000 करके इसने 2 बार दे भी दिए। इसने आज मना कर दिया कि मेरे पे खाना है, मेरे पे पैसे वैसे नहीं है। तो फिर इन्होंने पीछे से कोई हाथापाई करने लगा, इस पर कोई जो है इससे जबरदस्ती करने लगे। फिर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसे उनका बीच बिचाव करा दिया और इसे अपने घर के लिए निकाल दिया। जैसे ये घर के पास आया तो वो पीछे पीछे इसके पीछे 4 जनों के साथ में कम से कम 10-15 लड़के और थे बाइकों पे। ये कौन लेकर आए थे लड़के? ये शाबाज बदर और ये हाजी असद बदर, ये जो 4-5 लड़के थे इन्हीं के साथ में थे। तो ये जैसे तैसे करके ये जो अपने घर में घुसा तो इन्होंने पीछे से गाली गुप्ता करते आए। इन्होंने कहा तुझे जान से मार देंगे। बड़ी मुश्किलों से अपनी बाइक को जो है ना घर तक बस कैसे आया है वो ही बता सकता है।
तो जैसे ही अपने घर में घुसा इन्होंने पीछे से गाली वो गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। वो कैसे कैसे करके उन्होंने दरवाज़ा बंद करा और कम से कम वहाँ पे उन्होंने 20 से 25 फायरिंग की है। वहीं बाराबंकी में फिरौती के लिए एक वकील के नाबालिग बेटे की दो बदमाशों ने हत्या कर दी। वहीं मामले में सतर्कता दिखाते हुए पुलिस ने हत्या में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर लड़के के शव को एक नाले से बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि वकील बीएल गौतम का बेटा गुरुवार को लापता हो गया था, जिसकी छानबीन के बाद पुलिस ने उसका शव बरामद कर लिया है। तो बाराबंकी में वकील के बेटे की हत्या हुई थी, जिसका अब शव बरामद कर लिया गया है। इस मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। सर हम लोग भी दोनों दोस्त हैं, इनके लिए एक दोस्त लाए थे, पैसे वाले दोस्त। हम लोग दोनों गरीब थे, फिर हम रातों रात बनना चाहते तो थोड़ा अच्छा आदमी, मगर किसी का बिगाड़ के बनना चाहते। सर हम लोग खुद ही बिगड़े हैं, हम क्या आपको बताएं। कितनी फिरौती मांगी थी? 50 लाख। हत्या क्यों कर दी, क्या वजह थी? क्योंकि वह हत्या इसलिए कर दी, ये मेरा दोस्त फंस जाता था कि हत्या जो इसका पार्टनर जो था जिसको लेके आया था, हत्या नहीं करता तो हम मांग नहीं पाते। कोतवाली नगर में कल जो वादी है बूदीलाल गौतम, इनके छोटे बेटे का अपहरण हो गया था। अपहरण के बाद जो अपहरणकर्ता है वो रफीक बन करके 50-60 लाख रुपए फिरौती का डिमांड किया था। इसी क्रम में थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया। लगभग 7:30 बजे उन्होंने कंफर्म किया कि उनके पास एक बात हुई है रफीक नाम के व्यक्ति से, जो उनके भाई का फ़ोन यूज कर रहा है, और उसके बाद उसने कहा कि आपके भाई का अपहरण हो गया और 50-60 लाख रुपए तैयार रखिएगा। इसी क्रम में मुकदमा लिखा गया थाना कोतवाली में और तत्काल सीओ और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। स्वाट सर्विलांस की टीमें सभी लगाई गई और जो कोतवाली की टीम थी वो सब लग करके लगातार टावर डेटा डम्प और हमारे जो सर्विलांस टीम है उनके बारे में और मैनुअल इंटेलिजेंस, लोगों से पूछताछ और बहुत सारे संपर्कों से जानकारी करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया गया। इसमें दो व्यक्ति जो मूल रूप से प्रकाश में आए, सत्येंद्र कुमार और नागेंद्र कुमार, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से मृतक का मोबाइल फ़ोन, आला कतल जो सामान था तावा वो बरामद किया गया, गमछा बरामद किया गया, मृतक का चप्पल बरामद किया गया। वहीं मथुरा में शुक्रवार को जहां एक और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में विजयादशमी का पर्व देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर दशानन रावण को विद्वान की उपाधि प्रदान करते हुए सारस्वत समाज की ओर से दशानन का पूजन किया गया। इस दौरान रावण का स्वरूप धारण किए हुए व्यक्ति ने हर साल की तरह इस साल भी यमुना किनारे स्थित बगीचे पर भगवान शंकर का विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। वहीं से पूर्व सारस्वत समाज की ओर से रावण की शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो मथुरा से तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सारस्वत समाज ने रावण का विधि विधान से पूजन अर्चन किया, रावण की शोभा यात्रा भी निकाली गई। जहां एक तरफ पूरा देश असत्य पर सत्य की बात कर रहा है, विजय की बात कर रहा है, वहीं सारस्वत समाज ने रावण का पूजन किया है। इसके साथ ही रावण की शोभा यात्रा भी निकाली गई है, जहां आज पूरे देश में रावण का पुतला दहन कर ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये अधर्म पर धर्म की विजय है। वहीं आपको बता दें कि मथुरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक चौंकाने वाली चीज देखने को मिली है, जहां पर रावण की शोभा यात्रा निकाली गई है, रावण का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया है। यह सब कुछ किया गया है सारस्वत समाज के द्वारा। तो सारस्वत समाज ने मथुरा में रावण का विधि विधान से पूजन अर्चन किया है, इसके साथ ही शिव भगवान की भी पूजा अर्चना की गई है, और साथ ही साथ एक पुरुष ने रावण का वस्त्र धारण कर वहां पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें वो शामिल दिखा और रथ पर बैठकर उसने सबको आशीर्वाद भी दिया है। हो रही है, और मैं आपके माध्यम से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वो अयोध्या में श्री राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, वहां एक लंकेश की भी मूर्ति का निर्माण कराया जाए, क्योंकि राम का अवतार रावण के कारण हुआ था और राम को रावण से और रावण को राम से, दोनों को एक दूसरे से जाना चाहता है।
वहीं बाराबंकी में हर्षोल्लास के साथ मां दुर्गा का मूर्ति विसर्जन किया गया। इस दौरान मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस की ओर से एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। बता दें कि जिले में आज स्थापित 1078 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। वहीं प्रशासन की ओर से विसर्जन को लेकर नावों के साथ गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। कासगंज में कोरोना काल के चलते हुए गंज डुंडवारा के हर नारायण इंटर कॉलेज में पहला दशहरा विजयदशमी का पर्व त्योहार मनाया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं इसी के चलते आज गंज डुंडवारा रामलीला मैदान में रावण का प्रतीकात्मक स्वरूप तैयार किया गया है, जो शाम 6:30 बजे के बाद दहन किया जाएगा। वहीं आगरा में नवरात्रि पर्व खत्म होने के बाद विजयादशमी के पावन पर्व पर माता के भक्त माता की प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए हाथीघाट उनको लेकर पहुंचे। यहां पर स्थानीय प्रशासन की ओर से प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कुंड बनवाए गए थे, जहां पुलिस की सुरक्षा के बीच माता के भक्तों ने मां की प्रतिमाओं का विसर्जन किया है। विजयदशमी के पावन पर्व पर माता की प्रतिमाओं का विसर्जन करने से पहले माता के भक्तों की ओर से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की गई। इसके बाद माता के कुछ भक्तों ने पहले भंडारा किया और वहीं पर ढोल नगाड़ों के साथ वो नाचते हुए माता की प्रतिमाओं का उन्होंने विसर्जन किया है। वहीं बस्ती में छेड़खानी का विरोध करना एक पति और ससुर को महंगा पड़ गया है। जी हां, अपनी पत्नी को छुड़वाने पहुंचे पति और ससुर को आरोपियों ने जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी सूचना दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से आरोपियों की बाइक बरामद कर ली है। आगरा में ट्रैक्टर मशीन से बाजरा की फसल कटते समय एक 45 साल के किसान का पैर ट्रैक्टर चपेट में आने से कट गया। वहीं इस हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि किसान का पैर फिसलने से यह पूरा हादसा हुआ। फिलहाल घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो आगरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रैक्टर की चपेट में आ गया था किसान, जिसके बाद उसका पैर कट गया। हालांकि अभी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और फिलहाल किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है। दशहरे के महोत्सव पर सहारनपुर में भी दशहरे की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वहीं इस बार रावण और मेघनाथ का पुतला काफी खास बनाया गया है। बता दें कि इस बार बनाए गए रावण के पुतले का सर चारों तरफ घूमता और लोगों को देखता नजर आएगा। वहीं मेघनाथ का पुतला भी ग्राउंड के चारों ओर घूम घूम कर कोरोना के बचाव के बारे में बताने के अलावा लगने वाले वैक्सीन के फायदे भी बताएगा। तो सहारनपुर से तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने आप में बिल्कुल खास ये तस्वीरें, जहां पर रावण के पुतले को इस बार इस तरीके से बनाया गया है कि जहां पर वो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश तो देगा ही, साथ ही साथ कोरोना काल में हुए जो कुछ नुकसान और अब वैक्सीन के फायदों को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो खास तरीके से बनाए गए हैं रावण और मेघनाथ के पुतले, जिसमें जो पुतले हैं वो अपने साथ सर उनका घूमेगा, उनके पैर भी घूमेंगे और वो एक संदेश भी देंगे कि वैक्सीन को लगवाना क्यों जरूरी है। राम का आदर्श रहा, प्रत्येक भारतवासी उन आदर्शों पर चले और अपने देश को महान बनाए। आज जो आपने यहाँ पे कुर्बान रखा, क्या विशेषताएं यहाँ पर हैं? हमारे इस कार्यक्रम में रावण का पुतला चारों ओर गर्दन घुमाता है, ये इस क्लब की विशेषता है। सहारनपुर में या यूँ कहते पूरे हिंदुस्तान में अनूठा पुतला है। उसके अलावा जो हमारा मेघनाथ का पुतला है वो मैदान में चारों ओर चलेगा और चारों ओर चल करके वो कोरोना से बचाव के उपाय और कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करेगा, संदेश देगा। कितने साल से आप करते रहे हैं?
पिछले लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से हम यहाँ पर रामलीला दशहरा महोत्सव का आयोजन करते चले आ रहे हैं। अभी कोरोना काल गया है, उसके लिए आपने कोई इसमें नया कुछ ऐसा ले गया है? जी बिल्कुल, कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हमने एक पुतले के माध्यम से लोगों को कोरोना से सावधानी बरतने का संदेश दिया जाएगा, वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा और कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए हम इस दशहरा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत यानी दशहरे के पर्व पर रावण दहन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नोएडा के सेक्टर 62 में हो रही रामलीला ग्राउंड में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों के साथ इस बार कोरोना के पुतलों को भी खड़ा किया गया है। रावण दहन को लेकर रामलीला ग्राउंड में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, साथ ही दूसरी तरफ डॉग स्क्वाड की मदद से सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। तो नोएडा से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रामलीला ग्राउंड में रावण के साथ कोरोना का पुतला भी इस बार दहन किया जाएगा। अभी कुछ ही समय बाद ये पुतले दहन होने हैं, जहां पर विजयदशमी की जितनी भी तैयारियां थी वो तैयारियां संपूर्ण पूरी कर ली जा चुकी हैं। अब कुछ ही समय के बाद रावण के साथ मेघनाथ का पुतला भी जलाया जाएगा और साथ ही साथ जो दिलचस्प चीज है वो ये है कि कोरोना का पुतला भी इस बार दहन किया जाएगा। शिक्षा विभाग का नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, मगर प्रशासनिक स्कूलों की तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार बच्चों की पढ़ाई पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, मगर सरकार के कुछ नुमाइंदों की वजह से सब कुछ फेल होता दिखाई देता है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का है, जहां एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को किताबों की जगह हाथों में झाड़ू थमा दी गई। बच्चों के स्कूल में झाड़ू लगाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो हमीरपुर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर झाड़ू लगाते हुए बच्चे दिखाई दिए हैं। जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार लगातार देती है, वहीं सामने आप देख सकते हैं बेटियां किस तरीके से झाड़ू लगाती हुई दिख रही हैं। बच्चों को पढ़ाने की बात की जाती है, जो स्कूल हैं प्राथमिक विद्यालय हैं गांव-गांव में इसलिए बनवाए गए हैं ताकि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां करती हैं। ये तस्वीरें हमीरपुर से आ रही हैं जिसका वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर तैर रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। स्कूल में बच्चे झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका फोन हो सकता है। भाई हमीरपुर की राट कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक युवक से 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बता दें कि आरोपी लोधी कोतवाली इलाके के सरसई गांव का निवासी था। तो हमीरपुर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर भारी मात्रा के साथ गांजा मिला है जिसको कि पुलिस ने पकड़ा है और इसके साथ ही साथ पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीलीभीत में शुक्रवार को शहर के रामलीला मैदान में रामलीला मेले का आयोजन और रावण पुतला दहन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। साथ ही इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात दिखाई दे रही है। तो पीलीभीत से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अभी कुछ ही समय के बाद रामलीला महोत्सव होना है और इसके साथ ही रावण का पुतला दहन भी होना है, जिसकी तैयारियां जो हैं वो अभी तक की बात करें तो पूरी कर ली गई हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।